अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। लोरदीर में तिमरगरा बस स्टैंड पर शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में आग लग गई, मुतादिद सिलेंडर धमाके से फट गए। कराची के इलाके मुबीना टाउन में पुलिस मुकाबला, मुतादिद वारदातों में मुलव्वस डाकू गिरफ्तार, गड्डाब से तशद्दुज़दा लाश बरामद। डेरा इस्माइल खान में खेतों में दफन किए गए 9 मौलूद को जिंदा निकाल लिया गया, तश्वीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज। पासपोर्ट स्कैंडल हकीकत है, चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लें, सबूत पेश करूंगा। स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद अली असद की लंदन में दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगु। रावलपिंडी अस्पताल से फरार होने वाला साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार खान के कत्ल का मुलजिम रूहुल्लाह दुबई में दोबारा गिरफ्तार, आज पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान। शरी रहमान का अमरीकी सेनेटर डैनियल एनवाय से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि नेटो सप्लाई की बहाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान नेटो सप्लाई की बहाली के माहदे पर आज दस्तखत होंगे, तकरीब वजारत दिफा में होगी। सब जरदारी का सहारो इफ्तार में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, बिजली की शफाफ तरसील और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। एफिड्रिन कोटा केस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बाद हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। और लंदन ओलंपिक्स के तीसरे रोज भी 9 तलाई तमगों के साथ चीन का राज बरकरार, अमेरिका 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ दूसरे नंबर पर। दुनिया न्यूज से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।